सोलन में कोरोना वायरस से शहरवासी सभी भयभीत है। यही कारण है कि वे मास्क और सैनिटाइजर खरीदना चाहते हैं ताकि उसके उपयोग से वे उनका परिवार सुरक्षित रह सके। लेकिन सूचना मिली है कि कुछ दवा विक्रेता इस संकट की घड़ी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। हालांकि इस पर उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी भी दे दी है कि अगर कोई अंकित मूल्य से ज्यादा मास्क और सैनिटाइजर बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दवा विक्रेता इस अवसर का लाभ उठाकर पैसा बनाने में लगे हुए हैं। सोलन में कोरोना वायरस से शहरवासी भयभीत हैं। यही कारण है कि वे मास्क और सैनिटाइजर खरीदना चाहते हैं ताकि उसके उपयोग से वे और उनका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन सूचना मिली है कि कुछ दवा विक्रेता इस संकट की घड़ी का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और मास्क और सैनिटाइजर को दोगुना और तीन गुने दामों पर बाजार में बेच रहे हैं। हालांकि इस पर उपायुक्त सोलन केसी चमन ने कालाबाजारी करने वालों को चेतावनी भी दे दी है कि अगर कोई अंकित मूल्य से ज्यादा पर मास्क और सैनिटाइजर बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ दवा विक्रेता इस अवसर का लाभ उठाकर पैसा बनाने में लगे हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने इस बारे में कहा कि बाजारों में महंगे मास्क और सैनिटाइजर बिक रहे हैं, जिस पर प्रदेश सरकार को नीति बनाकर दवा विक्रेताओं पर सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि प्रदेश में काला बाजारी न हो। लेकिन कुछ मुनाफाखोर इस अवसर का फायदा उठाकर पैसा बनाने में लगे हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। कि मास्क और सैनिटाइजर ये शहर में दुगने मूल्य पर बिक रहे हैं तो सरकार को इसमें अपने कदम उठाने चाहिए, इसकी गाइडलाइन तय करनी चाहिए और सभी लोगों का सामाजिक दायित्व भी बनता है कि इस प्रकार से इस समय देश में, प्रदेश में परिवार के प्रति, समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभाएं और किसी प्रकार की ऐसी कोई बात ना करें कि जिससे ये महसूस हो कि लोग इस समय का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह तो लोग इन चीज़ों को मुफ्त बांट रहे हैं, वो सेवा के भाव से कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार से यहाँ पे दुगने मूल्य पे चीज़ें बेची जा रही हैं तो प्रशासन को इसे देखना चाहिए और गाइडलाइंस भी इसमें देनी चाहिए कि इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। साफ सफाई ही सबसे बड़ा इसमें बचाव का काम है और सभी से अनुरोध है कि किसी प्रकार की इस समय नाजायज लाभ लेने की कोशिश ना करें और समाज की सेवा में, देश की सेवा में, प्रदेश की सेवा में अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करें। वहीं भाजपा नेता राजेश कश्यप ने कहा कि कुछ लोग कोरोना वायरस को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं और लोगों में भ्रम फैलाना चाहते हैं, जो गलत बात है। अगर वे ऐसा ही करते रहेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जिलावासियों से आग्रह किया है कि वे भीड़ का हिस्सा न बने और जहां लोग ज्यादा एकत्र हैं वहां जाने से परहेज करें। उन्होंने कहा कि सोलन क्योंकि शिक्षा का हब है, यहां विद्यार्थी और परिजन देश के हर कोने से आते हैं, इसलिए सभी को सावधानी रखने की आवश्यकता है। केंद्रीय सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है एडवाइजरी जारी की है कि जो है भीड़ भाड़ जो है इकट्ठी ना करें। किसी भी तरह की गैदरिंग है, चाहे वो कोई मीटिंग है या कोई पार्टी की मीटिंग है या कोई सोशल गैदरिंग है, वो नहीं होनी चाहिए। और जो ये अफवाहें फैलाई जा रही है कि विदेश से आए हैं और जो है उससे कोरोना है, तो उससे डरने की कोई बात नहीं है। और अगर कोई इस तरह की अफवाहें फैला भी रहा है तो उनके ऊपर जो है एक्शन हो सकता है, क्योंकि एपिडेमिक एक्ट में जो है इस तरह का जो है प्रावधान भी किया गया है। इसलिए इस तरह की अफवाहें जो है लोगों को फैलानी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो पहाड़ के लोग हैं वो शरीफ लोग हैं, वो किसी की बहकावे में आ भी सकते हैं। बाहर से आ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सोलन में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर और हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पढ़ते होंगे, लेकिन अगर कोई आ रहा है तो उन्हें सेल्फ क्वारंटीन करनी चाहिए। सेल्फ क्वारंटीन के मायने कि 14 दिन तक वो अपने घर के अंदर रहें और ज़्यादा जो है पब्लिक में ना आए। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।